महाराष्ट्र में क्या फिर शिवसेना बीजेपी के हाथ लगेगी बाजी या फिर कांग्रेस एनसीपी की होगी वापसी? महाराष्ट्र के चुनावी समर में जनता के मूड को भांपने के लिए चुनावी भाऊ की बाइक सरपट दौड़ रही है। अब तक आपने देखा मुंबई, लोनावाला, पुणे और नासिक शहर का चुनावी मिजाज, लेकिन अब चुनावी भाऊ की बाइक निकल पड़ी है नासिक के इगतपुरी के रास्ते पर। हमने सफर की शुरुआत की त्र्यंबकेश्वर मंदिर से। पावन नगरी त्र्यंबकेश्वर, वो नगरी जहां दसवें ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं और माना जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के दर्शन एक साथ यहां पर प्राप्त किए जा सकते हैं। और आज आपका चुनावी भाव यानी कि अक्षय विनोद शुक्ल उसी त्र्यंबकेश्वर में पहुंच चुका है। दरअसल चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो इगतपुरी विधानसभा सीट के अंतर्गत त्र्यंबकेश्वर भी आता है और यहाँ पर यूं तो कांग्रेस का दबदबा देखने को मिलता रहा, लेकिन बीते 10 साल से जो कि कांग्रेस की विधायक हैं निर्मला थाई, उन्होंने अब कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है और शिवसेना के टिकट से चुनावी मैदान पर हैं। तो क्या इस बार वो जीत के अटक लगा पाएंगे या इस बार भरोसा थोड़ा जनता का कम होता नजर आएगा? और हीरामन खोसकर जो कि एनसीपी की टिकट से चुनावी मैदान में है, एक बार फिर से वापसी करते नजर आएंगे। आइए जनता से ही जानते हैं। चुनावी भाऊ की बाइक रफ्तार भर रही थी, कहीं रास्ता अच्छा तो कहीं पहाड़ी इलाकों के ऊबड़ खाबड़ रास्तों ने बाइक के रफ्तार को कम कर दिया। चुनावी भाऊ जानना चाहते थे कि इस बार नासिक के इगतपुरी में किस पार्टी का जलवा है। तभी रास्ते में एक खंडर नुमा पत्थर देख चुनावी भाऊ की बाइक रुक गई। यह हमारी मुलाकात युवाओं से हुई जिन्होंने बताया कि ये वही जगह है जिसे लोग हनुमान जी का जन्म स्थान मानते हैं, लेकिन सरकार ने इसके विकास के लिए कुछ नहीं किया। नासिक से हमारी चुनावी यात्रा अगले पड़ाव की ओर आगे बढ़ रही है, यानी कि हम त्र्यंबकेश्वर की ओर हैं जो कि इगतपुरी विधानसभा चुनावी क्षेत्र है। लेकिन हमें एक बोर्ड दिखा, अंजनेरी एक गांव है और वो सड़क से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर था, तो हमने यहां जाने का फैसला किया। और जब हम आए तो ऐसे टूटे हुए कई मंदिर यहां नजर आ रहे हैं और इसके साथ कुछ युवा यहां पर हैं। पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि ये जो गाँव का नाम है वो नाम क्या है और उसका मतलब क्या है? ये जो गांव का नाम है ये अंजनेरी, यहाँ पे मैं बोल दूँ तो यहाँ पे हनुमान जी का जन्म स्थान है। अच्छा। जो लगभग 30% लोगों को भी मालूम नहीं, जो 125 करोड़ लोग हम बोलते हैं उसमें से 30% लोगों को भी मालूम नहीं कि हनुमान जी का जन्म स्थान का है, क्योंकि यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है। क्या है यार, आप ऊपर जाओ, रास्ता नहीं है, ऊपर गए तो पानी का सोई नहीं, लाइट का नहीं, पानी लाइट जो मेन चीजें है तीन, वो तीनों नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये सब जो मंदिर हैं इसके लिए, एक तो हिंदूवादी सरकार अपने आप को कहती है, तो उन्होंने कोई काम किया जो करना चाहिए था? नहीं किया अभी तक नहीं। इसको अभी 1600 या 1700 करोड़ रुपए मिले थे, अभी जो अपने आपको हिंदूवादी सरकार बोल रही है अभी ये अपनी सरकार, तो अभी ये जो आप पीछे देख रहे तो कहाँ गई है सरकार? अभी आदित्य ठाकरे जी आके यहाँ पे उद्घाटन करके गए थे, जो अभी अपने आपको मुख्यमंत्री के लेवल के समझ रहे, अगर ये मंदिर का काम नहीं कर सकते महाराष्ट्र क्या संभाल पाएंगे? इगतपुरी के इस धार्मिक स्थल को लोग अंजनगिरी तीर्थ के नाम से जानते हैं। हम जानना चाहते थे कि हनुमान जी से जुड़े इस स्थान की अहमियत क्या है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि हनुमान जी के माता पिता का निवास स्थान त्र्यंबकेश्वर का ब्रह्मगिरी पर्वत है और माता अंजनी ने जिस स्थान पर तप किया इसलिए ये जगह अंजनी पर्वत के नाम से जानी जाती है। गौतम ऋषि और अहिल्या देवी का जो निवास स्थान है, जो उनका रहने का स्थान है, यह त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मगिरी पर्वत है, तो अंजनी माँ ने तप किया इसलिए ये पर्वत अंजनी पर्वत के नाम से जाना जाता है, आज भी इसे अंजनी पर्वत कहते हैं। धार्मिक रूप से इतने महत्वपूर्ण स्थान को पर्यटन के नजरिए से और बढ़ावे की जरूरत थी, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकार ने इसके विकास के लिए कुछ भी ध्यान नहीं दिया। श्रद्धा का जो जितने भी स्थान है वो उतने स्थान उतने जल्द से जल्द डेवलप होने चाहिए, मतलब भक्त जो है उन तक पहुंच सके और अपने अंदर जिस सकारात्मक ऊर्जा है वो डेवलप हो सके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय, अपने भक्तों के दुख हरने वाले भगवान हनुमान के जन्म को लेकर तमाम कथाएं आपने सुनी होंगी और एक प्रचलित कथा कहती है कि अंजनेरी पर्वत जो कि नासिक से त्र्यंबकेश्वर के रास्ते पर पड़ता है, उस पर्वत पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। दरअसल ये इगतपुरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जगह है और इस छोटे से गांव में वो तमाम साक्ष्य मौजूद हैं जिसके प्रति लोगों की आस्था लगातार बढ़ती गई। यहाँ पर एक कुंड मौजूद है जो कहा जाता है कि भगवान हनुमान के पैर रखने की वजह से बना था। यहाँ पर एक किला मौजूद है जिस पर माना जाता है कि भगवान हनुमान का जन्म यहीं हुआ था,
तो ऐसी तमाम कथाएं होने के बावजूद इस जगह को वो पहचान नहीं दिलाई गई है जो पहचान इसे मिलनी चाहिए थी। और अब विधानसभा चुनाव में लोगों की उम्मीद यही है कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का दावा करने वाली चाहे कोई भी सरकार क्यों ना हो, वो इस जगह की बेहतरी के लिए काम जरूर करेगी और इस जगह को और भी ज़्यादा पहचान दिलाने की दिशा में जो कदम उठाए जाएंगे उसी कदम का साथ देने के लिए पूरे गाँव वाले इस बार वोट करते नजर आएंगे। चुनावी भाऊ की बाइक इगतपुरी में आगे बढ़ी। पहाड़ी रास्तों के घुमावदार सफर को पार करते हुए हम अंगूर के बाग में जा पहुंचे। हम जानना चाहते थे कि अंगूर के किसानों की क्या हालत है, उनकी परेशानी क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं और प्रदेश की फडणवीस सरकार को लेकर उनका नजरिया क्या है। पूरी दुनिया में नासिक अपने अंगूर की खेती के लिए खास पहचान रखता है और इगतपुरी विधानसभा क्षेत्र में हम एक अंगूर के बागान में मौजूद हैं, जहां पर अंगूर की खेती करने वाले किसानों के साथ हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या उनकी बात इस चुनाव में हो रही है। सबसे पहली तो परेशानी ये है कि पेस्टिसाइड में गवर्नमेंट जो पहले सब्सिडी देता था वो बंद कर दी है, वो चालू करनी चाहिए। और रासायनिक जो खते है उनका भी इतना रेट बढ़ गया है, बाजार में इतने महंगे भाव में मिलते हैं, इनकी वजह से बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ रही है हमें। सब्सिडी देती नहीं है आणि ये देती नहीं है, नुकसान होता है तो भरपाई देती नहीं है। अंगूर के किसानों को सब्सिडी नहीं मिली, पेस्टिसाइड महंगे हो गए तो ऊपर से कुदरत की मार अंगूर के किसानों को अक्सर झेलनी पड़ती है, लेकिन मौजूदा सरकार से ये किसान खुश नहीं है। जैसे आप लोग 10-11 साल से कर रहे हैं, 5 साल में ये नई सरकार आई थी तो इससे जो उम्मीदें थी वो पूरी हुई हैं? अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कुछ उम्मीदें। जी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा है, जो पहले गवर्नमेंट करती थी वही काम यही गवर्नमेंट कर रही है। बिल्कुल, और कहते हैं कि जो हाथ ना आए वो अंगूर खट्टे हैं, तो अगर आपको मीठे अंगूर चाहिए तो हर पार्टी के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हर किसान के ऊपर ध्यान दे, चाहे वो अंगूर की किसानी से जुड़े किसान हो या फिर दूसरे क्षेत्र से या दूसरी खेती करने वाले किसान। नासिक जिले के किसानों की हालत आपने देखी। इसके बाद चुनावी भाऊ की बाइक जब आगे बढ़ी तो रास्ते में हमें शिवसेना के कार्यकर्ता मिल गए, जिनकी इस बार बांछे खिली हुई है, क्योंकि इस बार उनका उम्मीदवार कोई और नहीं बल्कि यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर शिवसेना का दामन थामा है। नासिक जिले के अंतर्गत इगतपुरी विधानसभा सीट आती है और ये सीट शिवसेना के लिए साख का सवाल एक तरीके से बनती जा रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि कांग्रेस के मौजूदा विधायक को अब शिवसेना ने अपनी तरफ से टिकट दिया है और यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा काम है जो 10 सालों में विधायक ने नहीं किया और आने वाले 5 सालों में अगर जीतती हैं तो वो करेंगे। आमदार शिवसेना से वो चुन के आएंगे तो सत्ते में रहेंगे तो ज़्यादा और विकास हो जाएगा। वो जो है कांग्रेस में भी थी तो उसने हर एक गांव में पहुंचा है, हर एक गांव में उसने काम किया है। इगतपुरी नासिक का एक छोटा मगर खूबसूरत शहर है। ये सीट हमेशा से ही कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ मानी जाती है। 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवार निर्मला गावित रमेश ने अपने प्रतिद्वंदी जोले शिवराम शंकर को 10,377 वोटों से हराकर शानदार जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार निर्मला गावित ने कांग्रेस क्या छोड़ी, कांग्रेसियों को फूटी आंख नहीं सुहा रही हैं। तो इगतपुरी विधानसभा सीट में कांग्रेस अपनी तरफ से पूरी जोर के साथ मैदान में उतरी हुई है, लेकिन कांग्रेस के मुद्दे क्या हैं ये समझने के लिए हम उन लोगों के पास हैं जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वो हमारी गलती थी जो उनको हमने वोट करके चुनाव में आगे भेज दिया, लेकिन उन्होंने खुद का विकास किया, जनता का कुछ नहीं किया। तो ये था नासिक के इगतपुरी का चुनावी हाल। चुनावी भाऊ की बाइक अब रवाना हो रही है महाराष्ट्र के एक और सफर पर। तो इगतपुरी विधानसभा सीट में जहां एक ओर एनसीपी कांग्रेस के उम्मीदवार हीरा अमर खोसकर एक बार फिर से चुनावी मैदान में और जीत का दावा भी ठोक रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लगातार 2 बार से विधायक रही निर्मला गावित इस बार शिवसेना बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में और दावा कर रही है कि जनता का भरोसा जीतकर वो जीत की हैट्रिक जरूर लगाएंगे। लेकिन जब त्र्यंबकेश्वर की सड़कों पर हम घूम रहे थे तो हमने ये महसूस किया है कि इन रास्तों को विकास का इंतजार आज भी है और इन्हीं रास्तों पर जनता की उम्मीदों के ऐसे पहाड़ खड़े हैं जिन पर फतह पाना किसी भी उम्मीदवार के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन जनता यही उम्मीद लगाए बैठी है कि जो भी जीत कर आएगा त्र्यंबकेश्वर की बेहतरी के लिए वो काम करता जरूर इस बार नजर आएगा। बहरहाल त्र्यंबकेश्वर सभी के लिए इतना ही, आपसे फिर किसी नई जगह पर मुलाकात होगी नए लोगों के साथ नए मुद्दों के साथ। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।